गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड दोनों लगभग एक जैसी हैं। स्पीड में आपका जो फॉर्मूला था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वेलोसिटी में जो फॉर्मूला है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस फर्क इतना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस चला जाता है, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है, कोई भी बॉडी एक्चुअली जितना कवर करी है उसके पाथ को उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ यही फर्क है कि स्पीड जो है आपकी वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है उसको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिन क्वांटिटीज़ को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्पीड की जो ऐसा यूनिट थी आपकी मीटर पर सेकंड, वही ऐसा यूनिट इसकी भी होगी मीटर पर सेकंड। मींस दोनों में सिर्फ क्वांटिटीज़ का और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इन्हीं का डिफरेंस रह जाता है। इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मीन्स किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई है और जिस समय के अंतराल आई है, जिस समय के दौरान आई है, उसको क्या कहेंगे हम? एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जिस चेंजिंग आ रही है वो। अब वेलोसिटी जो आती है आपकी वो दो तरीके की होती है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, और दूसरी होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी उसको हम कैसे करेंगे? वी माइनस यू अपॉन टी। मीन्स फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को जब हम माइनस करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि कितनी चेंजिंग आई है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा? ई इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसके बाद आता है आपका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जो होता है, यानी कि अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। उसी के अपोजिट अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। जो वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होती है, यानी कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों की यूनिट आपकी सेम रहती हैं। इसके बाद आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। जैसे ये हमारा वेलोसिटी था, एवरेज स्पीड में क्या था? एवरेज स्पीड में हमने टोटल अपॉन टोटल कर दिया था। मीन्स टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आपका अगर एवरेज बढ़ जाता है, एवरेज वेलोसिटी क्या कहेंगे हम? एवरेज वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी था, ठीक है। यानी कि जो वेलोसिटी थी आपकी दो तरीके की थी, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बनेगा? यू प्लस बी अपॉन टू। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो दोनों वेलोसिटीज़ का एड डिवाइडेड बाई उनका जो एवरेज निकाला जाता है डिवाइडेड बाई टू, इसे हम क्या कहेंगे? इसकी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं।